अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है डिस्प्ले मॉनिटर्स। मॉनिटर हमारे पास एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो जितना भी डेटा कंप्यूटर के अंदर सेव होता है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है। सिटी इमेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड मॉनिटर यूज़ किए जाते हैं। यही डिस्प्ले डिवाइसेस या तो कैथोड रे ट्यूब होते हैं CRT और या कुछ फ्लैट पैनल होते हैं जैसे कि TFT या LCDs वगैरह, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। अगर हम बात करें मॉनिटर के कंपोनेंट्स के बारे में तो मॉनिटर्स हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। नंबर 1 डिस्प्ले डिवाइस, सर्किटरी। सर्किटरी वो चीज़ होती है कि जो पिक्चर्स को जनरेट करती है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो कंप्यूटर के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड नंबर 3 पे आता है एनक्लोजर। फिर दोनों मॉनिटर्स की टाइप्स में डिफरेंस आता है कि CRT मॉनिटर जो होते हैं वो हैवियर्स होते हैं, ज़्यादा वजनी होते हैं, बल्कर्स जल्दी हार्ट हो जाते हैं और इनकी लेस ड्यूरेशन होती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हीट कंजप्शन करते हैं तो ज़्यादा जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम LCDs की बात करें तो उनकी ल्यूमिनस भी ज़्यादा होती है और स्पेशल रेजोल्यूशन भी ज़्यादा होती है, इस तरह साथ साथ वो वज़न में भी हल्के होते हैं और ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो चलते रहते हैं। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन आती है कि जितने भी कंप्यूटर के मॉनिटर है वो सारे के सारे डिजिटल होते हैं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जब एक्सरे से पेशेंट को स्कैन किया जाता है तो एनालॉग सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है थ्रू ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। हम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर ले। फिर नेक्स्ट क्या होता है, यही सिग्नल्स कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और अब अगर हमने इन्हीं सिग्नल्स को मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तो हमें उन डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में दोबारा कन्वर्ट करना होगा थ्रू DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तब जाके हमें वो स्क्रीन पर शो होंगे। फिर यही क्रॉस सेक्शनल इमेज मॉनिटर के ऊपर हम डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे की सूरत में देखते हैं और जो नॉन इमेज डेटा होता है जैसे कि पेशेंट का नेम हो गया या पेशेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई या स्कैन पैरामीटर्स हो गए तो वो हमें कलर्स में डिस्प्ले होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा कैमरा। तो कैमराज हमारे पास एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो जितना भी डेटा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है उसको फिल्म के अंदर कन्वर्ट करवाता है। ये कैमराज हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मल्टी फॉर्मेट कैमराज और दूसरा होता है लेज़र कैमराज। मल्टी फॉर्मेट कैमराज ऐसे होते हैं कि जो इमेज मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है उसको फिल्म के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं, जबकि लेज़र कैमराज ऐसे कैमराज होते हैं कि जो उस इमेज को मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराए बगैर डायरेक्टली प्रिंट करवा देते हैं फिल्म के ऊपर। दोनों का काम सेम है लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एक पहले पिक्चर को मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है और दूसरा जो कि लेज़र है ये बगैर इमेज को मॉनिटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले किए डायरेक्टली कंप्यूटर के डेटा से फिल्म के ऊपर प्रिंट करवा देता है। लेज़र कैमरा से हासिल होने वाली इमेजेस की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये पूरे के पूरे वीडियो सिस्टम को बाईपास करते हैं। CT के अंदर जो फिल्म यूज़ करते हैं जिसके ऊपर वो डेटा प्रिंट हो के आता है, पिक्चर बन के आती है, वो सिंगल इमर्जन फिल्म होती है जो कि दोनों टाइप ऑफ कैमरा से सेंसिटिव होती है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कि जो सिंगल इमर्जन फिल्म हम यूज़ करते हैं ये हम इसलिए करते हैं ताकि इमेज की रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करवाया जा सके। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है विंडो सेटिंग्स। विंडो सेटिंग्स में हम बेसिकली 2 टर्म यूज़ करते हैं, एक है विंडो विड्थ और दूसरा है विंडो लेवल। इन दोनों को चेंज करके या एडजस्ट करके हम इमेज जो कंप्यूटर के ऊपर नज़र आ रही होती है उसकी क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। आइडियली हम इस विंडो सेटिंग को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि रेडियोलॉजिस्ट अच्छे तरीके से इमेज को इंटरप्रेट कर सके। फिर कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जिनको इस तरह कैप्चर किया जाता है जिस तरह सेम वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होती है, उसके अंदर फर्दर किसी किस्म की भी मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। इन इमेजेस को हम कहते हैं स्क्रीनशॉट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रे स्केल।
बेसिकली ये एक ऐसा स्केल होता है जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटीज होती हैं फ्रॉम ब्लैक टू वाइट। जैसे कि अगर हम किसी पिक्चर को देखते हैं तो उस पिक्चर में डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। जिस जगह पर डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर वो इमेज हमें ब्राइट नज़र आ रही होती है, और जिस जगह पर डेंसिटी कम होती है वहाँ हमें वो इमेज ब्लैक नज़र आ रही होती है। इसी तरह जहाँ पर ब्लैक है और जहाँ पर वाइट है, ठीक है, हर एक जगह को अलग अलग हाउस फील्ड यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि उनको अलग अलग वैल्यूज असाइन की जाती हैं जिसकी वजह से वो हमें डार्क या ब्राइट नज़र आ रही होती है। अगर हम स्केल की बात करें तो एक स्केल के ऊपर 2000 से ज़्यादा हाउस फील्ड वैल्यूज़ होती हैं। मोनीटर जो हमें दिखाता है वो सिर्फ 256 शेड्स ऑफ ग्रे है, जबकि हमारी इंसानी आँख सिर्फ और सिर्फ 40 शेड्स ऑफ ग्रे देख सकती है। अगर तो दो डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे में कम अज़ कम डिफरेंस 10% है, तब तो हमारी इंसानी आँख उसको डिटेक्ट कर सकती है कि ये कलर और है और ये कलर और है। लेकिन अगर 10% से डिफरेंस कम है तो हमारी इंसानी आँख उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। यही वजह है कि हम सिर्फ और सिर्फ 40 शेड्स ऑफ ग्रे देख सकते हैं। और अगर बात की जाए सीटी स्कैनर की तो वो 1% से कम के डिफरेंस को भी डिटेक्ट करवा लेते हैं, इसीलिए उसके शेड्स ऑफ ग्रे स्क्रीन पर ज़्यादा नज़र आते हैं। फिर कह रहे हैं कि एक इमेज के ऊपर डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं, और हर एक शेड्स ऑफ ग्रे को हम अलग अलग हाउस फील्ड वैल्यू से असाइन किया होता है ना, डिफरेंट वैल्यू दी होती हैं। उन वैल्यूज़ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द विंडो विड्थ। अब विंडो विड्थ क्या होती है? इट इज़ द रेंज ऑफ हाउस फील्ड वैल्यूज रिप्रेजेंटेड ऑन द स्पेसिफिक इमेज। ग्रे स्केल के ऊपर डिफरेंट हाउस फील्ड वैल्यूज़ होती हैं। 0 असाइन करता है वाटर की डेंसिटी को, -1000 एयर के लिए है ब्लैक, और +1000 है बोन के लिए। वैल्यूज़ हायर देन 2000 हाउस फील्ड यूनिट रिप्रेजेंटेड वेरी डेंस मटेरियल सच एज मेटेलिक डेंटल फिलिंग्स। अच्छा, जितनी हाउस फील्ड वैल्यूज़ ज़्यादा होती जाएंगी उतना ही उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी ब्राइट नज़र आएगा, और जितनी हाउस फील्ड वैल्यूज़ कम होगी इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट ब्लैक नज़र आएगा या डार्क नज़र आएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है विंडो विड्थ का। विंडो विड्थ बेसिकली डिफरेंट हाउस फील्ड यूनिट की एक रेंज होती है। विंडो विड्थ से ही हमें पता चलता है कि एक इमेज के ऊपर कितने नंबर ऑफ हाउस फील्ड वैल्यूज़ या नंबर ऑफ हाउस फील्ड यूनिट्स प्रेजेंट हैं। अगर हम सिटी इमेज को देखते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं। कुछ की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो हमें वाइट नज़र आते हैं, और कुछ की डेंसिटी कम होती है हमें ब्लैक नज़र आते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हर एक ऑर्गन को उसकी डेंसिटी के हिसाब से डिफरेंट हाउस फील्ड यूनिट या सिटी नंबर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसमें एक तरफ 2 शेड्स ऑफ ग्रे हैं, एक वाइट नज़र आ रहा है और एक ब्लू नज़र आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि हर एक शेड्स ऑफ ग्रे को हमने एक हाउस फील्ड यूनिट दिया हुआ है, तो जितना हम विंडो विड्थ को इनक्रीज़ करते जाएंगे उतना हर एक शेड के अंदर हाउस फील्ड नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। इसको हम नाम देते हैं वाइडनिंग ऑफ विड्थ। सिंपल वर्ड्स में विंडो विड्थ हमारे पास एक ऐसी रेंज होती है जिसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ हाउस फील्ड यूनिट्स होते हैं, एंड इट इज़ एडजस्टेड वाया कंट्रास्ट। फिर हमारे पास टॉपिक आता है विंडो लेवल का। विंडो लेवल को हम विंडो सेंटर भी कहते हैं, और ये विंडो विड्थ के ऊपर जितनी भी रेंजेस होती है उसके मिडिल वाली सेंटर वाली रेंज को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल वी से इफ वी हैव अ विंडो विड्थ ऑफ 300 देन द मिडिल वैल्यू दैट इज़ 150 इज़ आवर विंडो लेवल। किसी भी सिटी इमेज के ऊपर कितने नंबर ऑफ हाउस फील्ड यूनिट्स डिस्प्ले होंगे ये डिपेंड करता है विंडो लेवल के ऊपर, क्योंकि अगर हम विंडो लेवल 0 सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी और कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। और अगर विंडो विड्थ सेम रहे लेकिन विंडो लेवल को हम अगर चेंज करके 200 कर दें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम विंडो विड्थ की वैल्यू को हाफ करेंगे डिवाइडेड बाई 2 से, और फिर विंडो लेवल में प्लस करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी, और माइनस करेंगे तो हमारे पास लोअर लिमिट आ जाएगी। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें। द विंडो लेवल शुड बी सेट एट अ पॉइंट दैट इज़ रफली द सेम वैल्यू एज एवरेज एटेन्यूएशन नंबर ऑफ द टिश्यू ऑफ द इंटरेस्ट। मीन्स कि विंडो लेवल की जो वैल्यू भी हमें मिलती है वो रफली सेम होती है डिजायर्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट के एवरेज एटेन्यूएशन नंबर से। विंडो विड्थ दो तरह की हो सकती है, एक होती है नैरो रेंज, एक होती है वाइडर रेंज।
नैरो रेंज का मतलब होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ हाउस फील्ड यूनिट कम होते हैं, और वाइडर रेंज के अंदर नंबर ऑफ हाउस फील्ड यूनिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम वाइडर विंडो रेंज सेलेक्ट करते हैं तो इससे इमेज का कंट्रास्ट डिक्रीज होता है, लेकिन साथ साथ इमेज डिस्प्ले के ऊपर जो नॉइस आ रहा होता है वो भी कम हो जाता है। ये ज़्यादातर हम उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जिनके अंदर मेटालिक आर्टिफैक्ट्स आ रहे होते हैं या ओबेस पेशेंट के अंदर। दूसरी तरफ नैरो रेंज या लोअर रेंज हम तब यूज़ करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो ऑर्गन की डेंसिटी तकरीबन सेम होती है, रेंज फ्राम 50 to 500 हाउस फील्ड यूनिट, जैसा कि हमारे पास ब्रेन है। ब्रेन के अंदर वाइट मैटर और ग्रे मैटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो इसके लिए हम नैरो रेंज यूज़ करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस।